आज 7 अक्टूबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 7 अक्टूबर 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बड़ा वंडर लगा मुझे कि बाबा किसको याद कर रहा है। शायद आज बाबा के सामने बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठे हुई है। देखो, बाबा भी सामने कौन बैठे हैं बच्चे, उस अनुसार अपनी बातों को सरल करके सुनाता है। मुरली बहुत छोटी है और वंडर ये है कि बाबा ने 6 बार बूढ़ी माताओं को याद किया है। माना भगवान का भी चिंतन चला होगा कि बूढ़ी माताओं को भी मैं स्वर्ग में कैसे लेकर जाऊं। अभी ऐसे नहीं कि सभी बूढ़ी माताओं का या बूढ़ी भाइयों का बुद्धि काम नहीं करता है। मेरे पास तो ऐसे केसेस है, मुझे याद आ रहे हैं। मैं सूरत में था, गुजरात, वहाँ एक क्लास में 89 ईयर्स की बूढ़ी माता, अभी वो भी सीढ़ियों से चल के आके नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, और बहुत उमंग उत्साह उस आत्मा में मैंने देखा और बहुत समझदार। तो ऐसे भी लोग हैं। भारत में एक माता है जो 90+ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को जाती है। ये दक्षिण भारत की माता है। तो ये लिमिटेशन नहीं है कि हम बूढ़े हो गए तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने देखा कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया था तो वहां पे रैली में हमारे साथ नशा मुक्ति की थी, तो एक 99 ईयर्स का भाई सेवा करने आया था, उसके बच्चे उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो सेवा करने आया था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा कैसे इन लोगों में शक्ति भरता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि बाबा ने उनको जो कहा, तोतली भाषा में उनको समझाओ। तो जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे सरल करके समझाना चाहिए। और दूसरा जो शब्द आज की मुरली में आया है, जो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो है कारीगरी। कारीगर होते हैं स्किल्ड वर्कर्स जिसको कहते हैं, जो बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के कारीगर होते हैं। बाबा ने आज हमको टाइटल दिया है कि हम कारीगर हैं, बहुत बड़े से बड़े कारीगर। ये भी सम्मान की बात है। भारत में विश्वकर्मा करके एक टाइटल है, विश्वकर्मा। ये लोग कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के। इसमें कारपेंटर आ गए, बिल्डिंग खड़े करने वाले, ये सभी नया निर्माण करने वाले होते हैं। हमारे तो एक भाई ने इनके लिए विशेष कोर्स भी बनाया है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा इनको भी याद करते हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा कि जिसको बाबा ने टच नहीं किया होगा। सोचो, भगवान की नजर किसके ऊपर जाती है?
भगवान सबको देखता है, गॉड अल्लाह ईश्वर, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। आप सोचो भगवान की नजर कहाँ जा रही है। कहता है कि अहिल्याए खूब जाए, उनका भी मैं उद्धार करता हूँ। सोचो कहाँ राजा और कहाँ अहिल्याए खूब जाए। सबको उल्टा बाबा तो बार बार कहता है कि मैं गरीब निवाज हूँ। आज बाबा ने कहा, गरीब बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं कि यही गरीब बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो देखो भगवान की नजर किसके ऊपर पड़ती है। कई बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि हम किसी कोने में गांव में पड़े हैं, क्या बाबा हमको देखता होगा। बाबा तो केवल बड़े बड़े भाई बहने दादियाँ इनको ही देखता होगा। ऐसे फीलिंग आ सकती है। स्पेशली मैंने देखा जब अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था, तो मैं देखता था लोग आगे बैठने के लिए कितनी मेहनत करते थे, और कुछ लोग जो पीछे बैठे हुए हैं लास्ट में, तो उनके संकल्प चलते थे कि कहाँ हम इधर कोने में, और बाबा वो डायमंड जुबली की स्टेज पर है, क्या बाबा को पता होगा कि मैं इधर बैठा हूँ। तो बाबा मुरली में उसका जवाब देता था कि बाबा की नज़र दूर बैठे हॉल का है तो छोड़ो। बाबा ने तो एक बार मुरली में कहा कि अभी भारत में, क्योंकि भारत में 7 बजे मुरली चलती है, चालू होती है 7:30 बजे शाम को, तो ऑस्ट्रेलिया भारत से 4 घंटा आगे है। तो बाबा मुरली में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चे रात को 12 बजे टीवी के सामने बैठते हैं। तो बाबा ये सब देखता है। सामने वाले तो छोड़ो, बाबा की तो पूरे विश्व के ऊपर नजर है। हमारी लगन कितनी है बाबा से, दैट इज वॉट मैटर्स। अगर हमारी लगन अच्छी है तो हम दूर बैठे भी बाबा की शक्तियों को खींच सकते हैं। मैं हमेशा ये दो उदाहरण बताता हूँ। एक तो हमारे आदरणीय जगदीश भाई का उदाहरण। हम सब शॉक हो गए, बाबा की मुरली चल रही है अव्यक्त बाप दादा, और बाबा मुरली सुनाते सुनाते रुक गए। तो हमको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बाबा रुक क्यों गए, और ऐसे लग रहा था कि बाबा कहीं और चले गए। और थोड़ी देर बाद फिर बाबा ने कहा कि जगदीश बच्चा याद कर रहा है। उस समय जगदीश भाई तो दिल्ली में थे, बाबा मधुबन में मुरली सुना रहा है। आप सोचो मुरली सुनाते वक्त बाबा को रोकने वाला बच्चा कितना पावरफुल होना चाहिए। माना उसके प्यार की ये ताकत है कि बाबा को रुक के, वैसे मुझे पता नहीं चला, क्योंकि सर्वशक्तिवान बिना रुके भी अपना काम कर सकता है। इसमें जरूर कोई राज होगा, ये तो भगवान जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। और ऐसे अनेक बच्चे होने चाहिए। मेरे को तो ये सामने हुई घटना है इसलिए याद आई। ऐसे अनेक बच्चे हैं, मैं भी यह अनुभव कर चुका हूँ आज से 24 साल पहले। उस समय हम रैली में थे, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार कलकत्ता ऐसे कैंपेन था। उस समय झारखंड उत्तराखंड ये सब नहीं बने थे, तो बिहार में समस्तीपुर जिले में हम पहुँच चुके थे। उस समय दिवाली का दिन था, अभी मधुबन में बाबा का टर्न है और हम रैली में घूम रहे हैं। तो मुझे संकल्प चल रहे थे, क्योंकि नए नए ज्ञान में आए थे, कुछ साल ही हुए थे 5-6, तो बहुत ऐसे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ रैली में घूम के सेवा कर रहा हूँ। उधर बाबा सभी बच्चों को मिल रहा होगा, दृष्टि दे रहा होगा। अगर मैं बाबा के सामने होता, मैं भी मंगल मिलन कराता और बाबा से शक्ति खींचता। ऐसे मैं कार में बैठे बैठे संकल्प कर रहा हूँ, तो अचानक मैंने अनुभव किया कि मुझे एक शक्तिशाली करंट आ रहा है। अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो करंट मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, मुझे शक्ति का अनुभव हो रहा है। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7:15 बजे थे। तो फिर उसके बाद हमने पब्लिक प्रोग्राम किया, पर मैंने रात को मधुबन में फोन किया और वहाँ के भाई को पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया।
तब उस भाई ने कहा कि बाबा ने 7:15 बजे दृष्टि देना चालू किया। अभी मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल था ये बात। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा के बहुत ऐसे गुप्त बच्चे हैं पूरे भारत में ही नहीं, देश विदेश में, जो बाबा से शक्तियाँ खींचते रहते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना प्यार करते हैं बाबा से, लगन कितनी है। बाबा के शब्द में कहो तो तड़पाने वाली याद कितनी है। बाबा ने हमेशा सर्टिफिकेट दिया है माताओं को। कौन सी माताओं को? जो बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताओं को बाबा का सर्टिफिकेट प्राप्त है। जिनको बहुत बंधन है वो बाबा की याद में तड़पती है, मिलना चाहती है, सेंटर पर जाना चाहती है, लेकिन उनको जाने नहीं देते हैं। तो बाबा उनकी कैसे पालना करता होगा। कुछ दिन पहले संडे की मुरली में जो आया था, दैट वॉज वेरी हार्ट टचिंग। बाबा ने कहा ऐसी माताएं हैं जिनके ऐसे अनुभव है, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी सुनाए तो उनकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। माना आप सोचो बाबा क्या पालना दे रहा होगा। लेकिन ये सब गुप्त होता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा है और ज्ञान मार्ग में भी ऐसा है। ये मत समझो कि भक्तों भक्त कम है, नहीं, भक्तों की भी अपनी कमाल है। लेकिन बेचारे भक्त भावना में ये सब अनुभव करते हैं, हम तो यथार्थ ज्ञान के साथ अनुभव करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बाबा ने भक्ति के बारे में कहा है। भक्ति का भी कमाल है, बहुत बड़ा विस्तार है। अभी आज के मुरली का और एक शब्द देखो, कुंभी पाक नरक। अभी ये नरक के प्रकार है। कई बाबा के बच्चे जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं उनको ये पता नहीं होता है कि नरक के भी प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। टोटल नरक 28 प्रकार के नरक बताए हुए हैं। आप हैरान हो जाएंगे। माना इन्होंने कितना डिटेल में गहराई से चिंतन किया होगा शास्त्रवादियों ने, उनकी भी कमाल है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ जिन्होंने शास्त्र लिखे। हमारे में से ही कोई होगा। एक बार बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि तुम्ही ने ही शास्त्र लिख के लोगों को भटकाया है, अभी तुमको ही फिर से लिख कर इनको वापस रास्ते पर लाना है। और बाबा ने उनको टाइटल दिया था गणेश, क्योंकि बुद्धि की देवता है। बाबा से उनको वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने इतनी किताबें यज्ञ की लिखी। पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अकेला आत्मा का काम नहीं है। सभी हमारे में कई सारे बाबा के बच्चे होंगे जिनके अंदर ये विशेषता है लिखने की। बाबा के अभी भी कितने सारे बच्चे हैं जो लिखने में माहिर है, जो किताबें लिखते हैं, जिनका मनन चिंतन बहुत अच्छा है। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। ये लोग सचमुच में कमाल है जिनको अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो लिखना भी एक कला है। तो मैं नर्क के बारे में कह रहा था। तो नर्क की कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये कर्मों की गुह्य गति में आता है। और हमारे पहले के चित्र में जो 7 डेज कोर्स, उसमें नर्क का वर्णन होता था। हालांकि आजकल वो चित्र दिखाई नहीं देते हैं। भारत में हिंदू धर्म में ये कंसेप्ट है। इवन उर्दू में भी मेरे ख्याल से दोजक शब्द है, अंग्रेजी में हेल शब्द है और यहाँ नर्क कहते हैं। तो दोजक कहो, नर्क कहो, हेल कहो, ये कंसेप्ट तो है कि भगवान सजा देता है, ऐसे वो कहते हैं, सजा देता है। हालांकि भगवान कुछ सजा नहीं देता है किसी को, सजा ऑटोमेटिकली मिलती है। तो नर्क की कंसेप्ट आई है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सुना रहा हूँ। आज दो नर्क का वर्णन आया है। बाबा ये दो नर्क का वर्णन करते, एक कुंभी पार्क नर्क और दूसरा है रौरव नर्क। ये दोनों नर्क आज की मुरली में आए हुए हैं वर्णन। अभी कुंभी पार्क किसको कहते हैं और रौरव किसको कहते हैं, दोनों का स्पष्टीकरण है। नर्क माना एक ऐसी जगह जहां पे सजाएं दी जाती है, इसलिए हिंदी का और एक शब्द है नर्क यातना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है किसी भी कारण की वजह से, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, या संबंधों में तनाव है, या तत्वों से दुख मिलता है, तो उसको कहते हैं कि ये नर्क यातना भुगत रहा है। नर्क यातना, आप सोचो, इस समय ईरान,
इसराइल, लेबनान, हिजबुल्ला, क्या चल रहा है वहां पे? मैं तो देख के मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते। इतने बड़े ये लोग मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। अभी जहां ये मिसाइल गिरेगा, उन लोगों की क्या हालत होती होगी। आज बाबा ने इसको भी मुरली में याद किया है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, पटाखे फूटेंगे। ये पटाखों की तरह ही है, पटाखों की तरह ही ये मिसाइल, बटन दबाते मिसाइल चला जाता है। तो कितना दर्द है। एक जो लोग जैसे अफगानिस्तान है, जिन्होंने लंबे समय तक वॉर देखा है, आप सोचो वॉर जोन में रहने वाले कितना टेंशन में रहते होंगे, क्योंकि रात को सोए कब कहाँ से मिसाइल आके गिरेगा, बॉम्ब फटेगा, आपको नहीं पता। तो मुझे बहुत दिल से आता है कि हम सब इनकी सेवा करें, मनसा से, हम वृत्ति से इनकी सेवा करें, जो बाबा ने कल कहा था कि वृत्ति से वाइब्रेशन भेजे। अभी हमारी परम आदरणीय मोहिनी बहन, न्यूयॉर्क वाली, जब वो आ रही थी फ्लाइट से, तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो उनको पता चला कि हमारा एरोप्लेन है वो यूक्रेन के एरिया से जा रहा है। तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तो उन्होंने विशेष नीचे देखे, सकाश दिया उस एरिया को। तो ये अटेंशन हमको रखना है कि बाबा ने हमको इस सेवा के लिए निमित्त बनाया। इस समय लोग नरक यातना भुगत रहे हैं, और जो भी सुख है वो अल्पकाल का है। तो ये सेवा हमको करनी है। कुंभी पाक के ऊपर आते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि जो अपने पेट के लिए जिंदा पशु पक्षियों को मार कर पकाता है और खाता है, अभी इनकी क्या गति होगी, क्योंकि शरीर को कुंभ कहा गया है। तो कुंभ में पकाते हैं जैसे भोजन, वैसे ये शरीर रूपी कुंभ में अंदर ही भूना भूना थे मना, इनको काट के मार के खाते हैं, उनको दुष्कर्मों का दंड इस नरक में मिलता है। अभी ये भक्ति मार्ग का कंसेप्ट है, पर इसको अच्छी तरह समझना है। आजकल की बीमारी है, अभी मुंबई में मैं देख रहा हूँ, हमारे इधर चिकनगुनिया का सीजन है। चिकनगुनिया में, अब ये चिकन नाम है, ये मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग, क्योंकि चिकन खा के ये होता नहीं है, ये वायरस है, और ये मच्छर से फैलता है। जैसे मलेरिया मच्छर से है, डेंगू, वैसे ये भी मच्छर वाले, लेकिन इसमें इतना जबरदस्त जॉइंट पेन होता है कि आप बात मत पूछो, और ये लंबे समय तक जॉइंट पेन होता है। तो किसी ने इसको चिकन के साथ जोड़ा, चिकन माना मुर्गी या मुर्गा, अंग्रेजी में चिकन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि चिकन खाने वाले, चिकन में एक आइटम होता है जिसको कहते हैं लेग पीस, लेग माना मुर्गी का पैर और उसका मांस। तो ये लोग जब खाते हैं, तो यही खाने वालों का ही लेग पीस में ही दर्द होता है, और वही जॉइंट दर्द होता है जो ये लोग बहुत चाव से खाते हैं। अभी ऐसा किसी ने कनेक्ट करने की कोशिश की, मुझे पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, लेकिन इसका जरूर कोई कनेक्शन होना चाहिए। एक कहानी सुनाई एक ने, सत्य घटना है। हमारे एक भाई साहब बस से जा रहे थे, अभी घाट में बस चल रही है, ये आगे ड्राइवर के पास बैठे हैं, पूरी ट्रेन भरी हुई है। अभी वो ड्राइवर अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा है, अचानक वो बस के आगे एक मुर्गी आ जाती है। अभी वो मुर्गी अचानक आ गई, उसको बचाने के लिए वो ड्राइवर ने बस को साइड में लिया। अभी ये जो भाई आगे बैठा है, ये और कुछ नहीं सोच रहा है, बाबा को याद कर रहा है और मुरली के ऊपर चिंतन कर रहा है। अभी जैसे वो ड्राइवर ने बस साइड को लिया, तो पूरी बस पलटी हो गई और सभी लोगों को चोट लग गई, सभी लोगों को उसमें चोट लगी। लेकिन ये भाई कह रहा है कि मैं जैसे बैठा था वैसे ही बैठा हूं, मुझे खरोच भी नहीं आई। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक मुर्गी के वजह से इतने लोगों को चोट लगे। अभी कर्मों की गति देखो, इसको कहते मुर्गी का बदला। आजकल मुर्गियों से होने वाली बीमारियां आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू सिंड्रोम वगैरह, अलग बीमारियां हैं।
तो ये कैसे होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। ऐसे ही आपने अगर देखा, नेपाल में जो भूकंप आया था उसके पहले की घटना है। नेपाल में एक बहुत बड़े मैदान में भैंसे जो होते हैं, बफेलोस, अभी इतना बड़ा विशालकाय जानवर, एक दो नहीं अनेक सैकड़ों में रहते हैं, और वो उनको काटने वाला उनको गर्दन के ऊपर मार के उनके दो टुकड़े करता है। अभी आप सोचो, एक साथ इतने सैकड़ों लोग भैंसे अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनकी आत्माएं क्या कर रही होगी? हर एक के अंदर आत्मा है, ये एक फिलॉसफी है। इसको तत्व ज्ञान के रूप से देखेंगे, क्योंकि ये कुंभी पाक नरक जो बाबा ने कहा है उसका स्पष्टीकरण हम देख रहे हैं। ऐसे ही रो रो नरक है, रो रो जैसे महारो रो नरक भी होता है। ये अलग अलग नाम है, ये संस्कृत के नाम है, मैं इसमें जाता नहीं जाता हूँ। तामिश्र नरक है, अंध तामिश्र है, संदश है, तप्त सुरमी है, वैतरणी भी बाबा ने कहा हुआ है, विषय वैतरणा नदी, ये भी नरक में आता है कि उसमें बहुत सारे जीव होते हैं जो तकलीफ देते हैं। तो मैं इन 28 नरकों में नहीं जा रहा, कुंभी पार्क आया हुआ है। कुंभी पार्क माना दो दूसरे जानवर खाते हैं अपने पेट में, और दूसरा है रौरव। रौरव नरक माना जो अपने स्वार्थ के वश दूसरे प्राणियों से द्वेष करता है वो रौरव नरक की यातना भोगता है। वो जिसको जिसको कष्ट पहुंचाता है, मना फिर उसमें प्राणी हो और कोई भी हो, मैंने तो क्या क्या नहीं देखा। मैं नागालैंड गया था, नागालैंड में कोहिमा कैपिटल है, वहाँ की हमारी बहुत बाबा की क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। इन बहनों को भी हैट्स ऑफ है जो सेंटर चलाते हैं, आदरणीय रूपा बहन जी है और उनकी टीम है। मुझे कहा कि आप कीड़ा मार्केट देख के, मैंने कहा कीड़ा मार्केट क्या होता है, जब गया तो देखा सब कीड़े बेच रहे हैं और कीड़े खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। तो लोग ऐसे हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, माना कीड़ों को भी नहीं छोड़ा है। जैसे मुंबई में हमने देखा मच्छी का मार्केट होता है 100 रुपए में 200, वहाँ वैसे कीड़े मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े हैं, क्या नहीं खाते हैं। और वहाँ पे कुत्ते भी खाते हैं, रास्ते पे कुत्ता नहीं मिलेगा, वहाँ पंछियों को मार के खाते हैं। तो जिन जिन जीवों को, प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है वो रू रू होकर कष्ट देते हैं। अभी ये बहुत बहुत गुह्य है, ये कैसे काम करता है हम नहीं जानते। एलोपैथी में हमको बताया जाता है कि जो लोग ऐसे नॉनवेज खाते हैं, अभी नॉनवेज में फाइबर नहीं होता है, तो इन लोगों में कैंसर का प्रमाण बहुत है। अभी ये कैसे काम करता है इसका स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है, हम तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से बताते हैं। तो ये सब नरौरव नरक है, और नरक में सूर्य का पुत्र यम होता है, यम के द्वारा सजा दी जाती है, इसको यम यातना कहते हैं। तो ये भी बाबा ने मुरली में याद कहा है, बाबा ने इसका आध्यात्मिक स्पष्टीकरण दिया है कि यमदूत आएंगे, क्योंकि यमदूत सजा देते हैं, यम ऑर्डर करता है कि इसने इतने पाप किए, इतने लोगों को धोखा दिया है, पैसे लोगों के लिए और रिटर्न नहीं किए, इतने लोगों को गालियां दी है, इतने लोगों को मारा है, ये सब है हमारा लेखा जोखा, उस आधार पर सजा दी जाएगी। इसलिए बाबा कहता है मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि अगर किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि नरक यातना, हम बाबा देखो हमको कुंभी पाक से निकालने के लिए आया है कि बच्चे तुम नरक में हो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हिसाब किताब हर एक के आते हैं। मुझे पूछते हैं कि दादियों ने क्या किया, दादियाँ तो कुमारी थी, मम्मा कुमारी थी, तो फिर इनको इतना तकलीफ बीमारी क्यों? तो ये इस जन्म का नहीं है, हमारे 63 जन्म में कितने सारे हमने कर्म किए होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने तपस्या करके, तपस्या की वजह से हिसाब किताब तो आया, लेकिन कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। तो ये बाबा की मदद हमको है
क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड बन के बाबा के सहयोगी बनते, सबसे बड़े कारीगर हम हैं। कारीगर कितने प्रकार के होते हैं आप देखो, स्किल्ड लेबरर्स कहते हैं जो सीलिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आजकल तो सब 3D में होता है, 3D में बिल्डिंग बनाते हैं, और क्या क्या, मेरे पास समय कम पड़ेगा। इतने अच्छे अच्छे कारीगर अभी मकान बनाते हैं कई जगह पे, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस, माना रेडीमेड मकान है। रेडीमेड मकान आप टेरेस पे भी बना सकते हैं, और उनके अलग अलग कैटेगरी है। ये सब सतयुग की तैयारी है ऐसे मुझे लगता है। बाबा ने कहा तुम कोई ईट या तगारी आदि नहीं उठा, तगारी माना जिसको हमारे इधर घमेला बोलते हैं, जिसमें सीमेंट रेती का माल होता है वो उठा के लेके जाते हैं, तो ईट तगारी नहीं है, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बनाते हैं। तो हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो आज का सम्मान है कि मैं बड़े से बड़ा कारीगर हूँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये भगवान का गायन है। आज की मुरली में बाबा ने यात्राओं को भी याद किया कि जन्म जन्मांतर यात्रा करते रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बाबा ने कहा आज तो। चार प्रकार के धाम चारों ही कोनों में भारत में है, चार धाम आप सब जानते हैं। फिर बाबा ने कहा मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे, वायरे सिंधी शब्द है, कंफ्यूज हो जाएंगे, मून जाएंगे, जैसे अभी वो इसराइल और ईरान में या लेबनान में चल रहा है। एक ठका होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। पोप का दर्शन करते हैं, बाबा ने कहा तुमको दर्शन करने की जरूरत नहीं है। आज भक्ति के ऊपर बाबा ने बहुत कहा कि पति कहते हैं अपने पत्नियों को मंदिर में क्यों जाते हो, घर पे ही पूजा करो। तो बाबा ने भी कहा इस समय बहुत भक्ति अति में जा रहे हैं, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में दुबन तक फंसे हुए हैं, और फंस कर फिर चिल्लाते हैं विषय वासना के दुबन में एकदम फंसे पड़े हैं, पता भी नहीं पड़ता है कि कैसे फंसे हुए हैं। और बाबा हमको इस दुबन से, माना दलदल से निकालने के लिए आए हुए हैं। बाबा ने कहा जैसे वो पोप का दीदार करते हैं, पोप आता है ऊपर खड़ा रहता है, सबको हाथ दिखाता है, और ये सब जो क्रिश्चियन धर्म वाले का धर्म गुरु है, तो बाबा ने कहा पोप का भी दर्शन करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बाबा ऐसे कुछ नहीं करता है, उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो केवल एक शिव बाबा ही है, उसको हम दिल से याद करते हैं। तो जो भी बातें बाबा सुनाता है उसको उगारना है, सिमरन करना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। विशेष डायमंड जुबली में जो बाबा के बच्चे थे उनको पता है, बाबा ने डायमंड जुबली में जो मुरलियां चलाई थी उसमें 9 बातें छोड़ने को कही थी, उसमें की एक बात आज के वरदान में आई है, वो है झमेला मुक्त। एक होता है मेला और एक होता है झमेला। कई बच्चे सोचते हैं कि झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, ये गलत सोच है। कई लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम चला जाएगा तो फिर मैं बाबा की सेवा करूंगा, ये होएगा नहीं। जहां झमेला हो वहां से अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी सहज अनुभव होगा। तो झमेले को अवॉइड नहीं कर सकते, जब है ही कलयुग, कलयुग का नाम आज बाबा ने कहा झमेले का युग है, ये झमेले की दुनिया में झमेले तो आने ही हैं, लेकिन अगर हम मुक्त रखेंगे तभी मंगल मिलन मेला कर सकेंगे। तो एक तो मुझे झमेला मुक्त बनना है, ये बाबा ने डायमंड जुबली में कहा था। झमेलों में पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट होती है, जाना ही नहीं है। समझदार आत्मा बन, न्यारा बन के शुभ भावना रखना है। ऐसे बाबा के बच्चे हीरो पार्ट बजाते हैं, और ये बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी है। दुनियावी बातों में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आंख बंद करके बाबा को याद नहीं करना है। ये तो दुनिया वाले डरते हैं, आंख खुली है तो दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाएंगी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, हम कर्म योगी है, आंख खुली रख के बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के साथ अगर आना है
तो पढ़ाई को अच्छी तरह धारण करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम कि स्वयं भगवान हमको कुंभी पाक और रौरव नरक से निकालने के लिए आया हुआ है, इसलिए हमने बाप को निमंत्रण दिया। हमारे बुलाने पर वो आ चुका है और हमको बड़े से बड़ा कारीगर बना रहा है, जो पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए हमको निमित्त बना रहा है। ऐसे सुंदर स्वर्ग के हम मालिक बनने वाले हैं। दुनियावी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है, जैसे गाय जुगाली करती है। आंख बंद करके याद नहीं करना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते कर्म योगी बनना है। और मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मिला मनाने वाले झमेला मुक्त बनना है। हीरो एक्टर बन के बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। अच्छा, ओम शांति।